अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है मेरा वीकेंड का व्लॉग। और अभी था सुबह का टाइम और हम लोग बना रहे थे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी एग सैंडविचेस। बस सिंपल से एग के जो होते हैं सैंडविचेस बनाए, वो हमने खाए ब्रेकफास्ट में। और फिर उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स वगैरह और फ्रूट्स लाए थे, तो उनको मैंने रखा। जो फ्रिज की चीज़ें थी वो फ्रिज में गई, और जो बाहर की थी वो बाहर रखी। मैं फ्रूट जो हूँ वो बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडा फ्रूट अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता। ये हमारे घर में इख्तलाफ चलता ही रहता है। कोई कहते हैं कि फ्रूट ठंडा होना चाहिए, मैं कहती हूँ नहीं, फ्रूट गर्म होना चाहिए। तो फ्रूट्स वगैरह थे उनको मैंने बाहर रखा, और जो वेजिटेबल्स थी उनको अपनी अपनी जगह पे रखा। तो छुट्टी होती हो तो उस दिन फिर ये काम जो होते हैं, वैसे तो तकरीबन रोज़ ही ये काम चलते रहते हैं, लेकिन वीकेंड था तो बस फिर ये वेजिटेबल्स वगैरह आ गई थी, तो उनको मैंने अपनी जगह पे रखा। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे थोड़ा सा बाहर पार्क में गए थे। अरे बाबा बताओ, हम पार्क में गए थे बाहर, और बहुत अच्छी जगह थी। हाँ, ऐसे ही बोर हो रहे थे घर में, तो सोचा कि चलो, क्योंकि बच्चों के भी पेपर्स होने वाले हैं तो फिर निकल नहीं सकेंगे, तो फिर हम लोग गए थे थोड़ा सा बाहर। फिर हम लोग ये एक मतलब जैसे खजूर के जो होते हैं ना, खजूर के जो बाग होते हैं ना, हाँ, उनके बीच में बस उनको बस किसी ने कोई मतलब पार्क बना लिया था। तो हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे जी, और काफ़ी अच्छी जगह थी। अंदर मतलब सुकून वाली जगह थी, काफ़ी बहुत पीसफुल। हाँ, इतना पीसफुल माहौल था अंदर, बस आप चुप करके जाके बस बैठ जाएं वहाँ पर और कॉफ़ी पिए, इंजॉय करें, और मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। और अंदर स्नैक्स भी थे। हाँ, स्नैक्स कौन से स्नैक्स? मतलब वो कॉफ़ी वगैरह इसके भी जैसे शॉप्स वगैरह बनी हुई थी, और मतलब काफ़ी मज़ा आया। और हम लोग बस वहाँ जाके थोड़ी देर ऐसे बैठ गए थे, रिलैक्स किया, चाय वगैरह पी, तो काफ़ी अच्छा लगा जी। तो आप भी हमारे साथ चलिए।这一次我真的睡着了。
फिर यहाँ फिर अभी मगरिब का टाइम हो गया था, काफ़ी देर हो चुकी थी हमें बैठे हुए जी, हम इंजॉय कर रहे थे। हाँ तो हमने कहा चलो बस सब लोग अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। शाम को ज़्यादा अच्छा लग रहा लाइट्स। हाँ शाम को ज़्यादा अच्छा लग रहा था बैठने में, लेकिन ये था कि हम लोग तो असर के बाद मतलब आए हुए थे तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था जी। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले और फिर रास्ते में ही बच्चों ने कहा कि हमें खाना है मैकडॉनल्ड्स। यस। तो फिर हम लोग गए मैकडॉनल्ड्स लेने। इसके बाद तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स लेने जी। मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं। अरिबा को खानी थी आइसक्रीम, असल में कौन सी आइसक्रीम? मैकफ्लरी। ये कौन सी थी? ओरियो आपने कुछ खाई थी? ओरियो मैंने मंगवाई थी लेकिन वो कह रहे थे वफ़ल नहीं है, तो मैंने मैकफ्लरी को खाई थी ना। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा था कि वफ़ल्स हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, पता नहीं क्यों फिर वफ़ल्स उनके पास नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। हाँ और मुझे तो मैकडॉनल्ड्स की वो जो प्लेन वाली आइसक्रीम होती है वही अच्छी लगती है, बाकी दूसरे फ्लेवर्स वगैरह वही आइसक्रीम इतनी अच्छी होती है, कोन वाली अरिबा को नहीं अच्छी लगती। मुझे अच्छी लगती है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अरिबा को वो भी अच्छी लगती है, दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस फिर और फिर हमने बर्गर्स वगैरह मंगवाए थे कुछ। हाँ फिर बर्गर्स की बात भी याद आया। एक दफ़ा हम मैकडॉनल्ड्स गए थे बर्गर लेने, तो मामा ने हम मैंने और भाई ने सबने मींस के बर्गर मंगवाए, हम सब ने खा लिए। अम्मी के लेकिन बर्गर में पैटी नहीं थी। अम्मी खाती जा रही थी, अम्मी को लगा अब आएगी लेकिन नहीं आई। हाँ ये इन्होंने स्कैम कर लिया था हमारे साथ, हमने बर्गर्स वगैरह लिए तो बच्चों सब ने खा लिए। मैं जब खाने लगी तो मैंने कहा इसमें से कुछ खाली खाली लग रहा है, फिर मैंने खाया, मैंने कहा अब आएगी पैटी। फिर मैंने जब देखा तो मैंने देखा अंदर से वो बिल्कुल खाली थी, उसमें पैटी ही नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं, इनको बोलते हैं कि ना आपने नहीं दिया। मैंने कहा आप छोड़ो एक बर्गर के लिए क्या जाएंगे, लेकिन कहा समझाते हमें फ्री मील मिलता। हाँ फ्री मील मिलता, तो ये फिर स्कैम हो चुका था हमारे साथ। तो अभी हमारा आइसक्रीम वगैरह आ चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।